Hello aspirants, I am Arun Nath Singh. I am a second year MBBS student at AIIMS New Delhi. So guys, through this platform of Aim for AIIMS, मेरे को आज अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं भावी बंसल, जो आप जानते ही होंगे यार, इंट्रो देने की जरूरत नहीं है. AIR1 in AIIMS and AIR2 in NEET and और भी बहुत सारे credentials हैं भाई के, ठीक है. अब तो ये मेरा जूनियर है AIIMS में, ठीक. तो और भी पर्सनल चीज भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, पर हाँ, इस वीडियो में यार वी विल बी ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एस्पिरेंट्स के होते हैं रिलेटेड टू प्रिपरेशन, ठीक है. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं भाविक का. तो भाविक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. माय नेम इज भाविक बंसल. मेरा इस बार AIIMS में, AIIMS दिल्ली में एडमिशन हुआ, वो बहुत बड़ी बात है. मेरा ड्रीम कॉलेज रहा है हमेशा से. तो AIR1 ठीक है, लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो इस बात की है कि जो इंडिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है उसमें मेरे को MBBS करने का मौका मिल रहा है. और बाकी KVBY भी दिया था मैंने, ओलंपियाड्स भी दिए थे, तो वो थोड़ा साइड स्टेप करते हुए अभी मैं एक AIIMS न्यू दिल्ली का स्टूडेंट होने में खुशी महसूस कर रहा हूँ. ओके, सो यार जस्ट ऐसे ही यार फॉर्मेलिटी के लिए नीट, AIIMS और सबकी रैंक बता दो. चलो मैं पूछता हूँ, नीट में कितनी रैंक थी? AIR2. AIIMS में फर्स्ट ऑब्वियसली, एंड फिर KVBY में AIR11. SX दिया था तुमने? SX स्ट्रीम. एंड 11th में दिया था KVBY? 11th में नहीं दिया था, 12th में दिया था, राइट. एंड सब्जेक्ट तुम्हारे कौन कौन से थे 12th में, बोर्ड्स में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश. ओहो, PCMB, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, हौसले बुलंद रखने. देखो PCMB में परसेंटेज कितना दिया बोर्ड्स में? 93.4. उसमें भी अच्छा किया तुमने परफॉर्म. एंड IIT भी दिया ही होगा तुमने? ऐसे ही अटेम्प्ट किया था. ओके, बहुत नाइस. तो फिर JEE मेन में कितनी रैंक थी? JEE मेंस में थी CRL 332. कूल. एंड एडवांस में? एडवांस में 470. ओके, सो फिर ये तो एडवांस वालों को भी टक्कर दे के आ रहा है, ठीक है. तो यार अब ये मैं पूछना चाहता हूँ यार कि अब जैसे तुमने अपना गोल तो अचीव कर लिया, यू अचीव्ड अ गुड, वेरी गुड रैंक, राइट, यू हैव टॉप द एग्जाम. अब तुम्हें अपने सक्सेस को लेकर कैसा फील हो रहा है? मतलब काफी अच्छा फील हो रहा है. जैसे मैंने कहा कि शुरुआत से और आखिरी दिन तक, रिजल्ट आने तक, मेरा एम केवल AIIMS दिल्ली में जाना था. ओके, तो वो बहुत बड़ा मतलब अपग्रेड है कि AIR1 हो गया. लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मेरे को इसी बात से मिल रही है कि जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन था, जो मेरा ड्रीम कॉलेज रहा, उसमें मेरे को जाने का मौका मिला. नाइस. एक्चुअली मेरी जैसे इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो वी आर द सीनियर्स, तो फिर हम लोग को इनका नंबर मिल जाता है. तो विद इन 2 to 3 days मेरी इससे बात हुई, तो इसने खुद कहा था कि लाइक एज अ दिल्ली स्टूडेंट, मौलाना तो कहीं नहीं गया, क्योंकि इतना तो पढ़ाई कर लूंगा कि मैं 12-13 आ जाएगी. तो मेरे पास ये लिबर्टी थी कि मैं 11th से ही AIIMS सोच कर चल रहा था. पहले दिन से अपनी प्रिपरेशन के मैंने AIIMS को मतलब फोकस किया AIIMS पे. तो फिर ये लाइक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ऐसे पूछते भी है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी ऐसे पूछा था कि लाइक कहां से आपने प्रिपरेशन शुरू की. मतलब तुम्हारा AIIMS के लिए फोकस 11th से था, ये बात क्लियर, ठीक है. अब यार ये देखो यार, 2 years का पूरा ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन होता है, तो तुमने अपने कंसिस्टेंसी और फोकस मेंटेन या कंसंट्रेशन के अलावा मेंटेन करने के लिए क्या मतलब कोई टाइम टेबल था, क्या था तुम्हारे पास? अब जैसे मैं बताऊं, मेरे को तो ये 3 सब्जेक्ट इतने अच्छे लगे कि कभी मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि पढ़ रहे हैं या स्ट्रेस हो रहा है या इतना घंटे पढ़ने का पता ही नहीं था बिल्कुल. और मतलब जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन करने में मेरे को इतना मजा आता था, और मतलब दोस्त चैलेंज करते थे, फिर क्वेश्चन ईगो पे आ जाता था कि तो ये तो करके दिखाना ही है. तो उसके बाद चाहे 3 रेफरेंस पढ़े, 4, कुछ बुरा नहीं लगता था, कुछ ऐसा नहीं लगता था कि कर लिया कुछ एक्स्ट्रा.2 साल में से 1.5 साल मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं नीट के लिए या AIIMS के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. मैं अपने सब्जेक्ट्स को और उस टॉपिक को बहुत पैशनेटली करता था, मास्टर करता था, और उसके बाद वो एड अप होके जरूर सक्सेस का एक पार्ट बन जाता है. डेफिनेटली यार, आपको यार एस्पिरेंट ये ध्यान देना होगा, आप जितने भी आप AIIMS टॉपर के आप इंटरव्यू देखोगे ना, सबको फिजिक्स तो पसंद होती है, डेफिनेट बात है. फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां कंसेप्ट जुड़ जाए ना वो पसंद होता है. कई को बायो भी पसंद होती है, पर बायो बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं कि पसंद है. और ये याद रखना है, आपको स्टार्टिंग से हार्ड वर्क करनी है. कॉम्पिटिशन है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा है. बहुत बड़े बड़े कोचिंग जॉइंट्स आप जानते हो, तो फर्स्ट डे से एंड तक आप जो अपना हार्डवर्क धीरे धीरे जो पुट इन कर रहे हो, वो लाइक एवरीडे जो हार्डवर्क होता है आपका, वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, राइट. पर वो जब इंटीग्रेट होता है ओवर 2 years, पिन पॉइंट की यहाँ मैंने
दो और लोगों से आगे चढ़ा गया मैं. इट्स ऑल द दो साल की जो मेहनत है वो सम अप करके इंटीग्रेट होकर आपको रिजल्ट मिलती है. ठीक है यार, तो आपको इंस्पायर कौन किया, तुम्हें इंस्पायर कौन किया यार ये करियर के लिए, कोई ऐसा कोई इंस्पिरेशन हो? मेरे पास तो ऐसा है कि मेरे फैमिली में कोई मेडिकल बैकग्राउंड कहीं नहीं. हाँ, बिल्कुल मैं भी. और इसमें बस मेरे पेरेंट्स सबसे बड़ा ये रोल रहा कि जो भी मैंने खुद डिसाइड किया बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स और बेस्ड ऑन कि क्या मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे पेरेंट्स ने कभी अपनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं डाली उस पर. हमेशा जो भी मेरी चॉइस थी उसको सपोर्ट किया. जबकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस जरा सी मेकआउट कर जाती है तो जो बंदा कर सकता है उसमें नहीं जा पाता. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट था वो मैं कर सकता था, इसमें मुझे मजा आ रहा था, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसमें. आप पेरेंट्स थ्रू आउट 2 इयर्स तो सपोर्ट किए होंगे खाने पीने से लेकर, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्लास में नहीं होता, घर पे रहता है छुट्टियों में, घर पे तो घर का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये एडवांटेज मुझे लग रहा है कि मेरे पास थी जो कोटा वाले काफी बच्चों के पास नहीं थी. हाँ, ये मैं भी कहूंगा, मेरे को भी बनारस में ये मिली एडवांटेज मेरे समझ में, क्योंकि पूरे टाइम 2 साल घर पे रहना वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कंपेयर टू आप एक दूसरे मेंटल सपोर्ट रहता होगा. सही बात है. और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन यार इसकी तो 100% आई थी, पहले नीट में तू स्कोर बताएगा अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. फिजिक्स में फुल था, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन रहता 775 और बायो में 3 क्वेश्चन रहता 345. ठीक है, फिजिक्स में तो मतलब फुल नहीं, लेकिन इस बार अगर कोई ध्यान से पेपर देगा तो इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा थ्योरी बेस्ड था, ज्यादा न्यूमेरिकली इंटेंसिव नहीं था. कंपेयर एम्स का पेपर अगर कर दिया जाए तो फिर तो कुछ, फिर भी यही चीज मेरे को सुननी थी, पर फिर भी आप जानोगे इसका 100% आया था तीनों सब्जेक्ट में, परसेंट आया था. डोंट कंफ्यूज इट विद परसेंटेज, परसेंटाइल था मतलब और कोई तुमसे अच्छा नहीं किया उसमें, 100% आई मतलब साहब. और हाँ, फिजिक्स नाइटमेयर कंसीडर की जाती है, तो तू कैसे क्या एडवाइस देना चाहेगा स्टूडेंट को फिजिक्स के लिए स्टार्टिंग से, जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, कोई ड्रॉपर होगा, कोई 12th में गया होगा, 11th खराब होगी, कोई 11th में जा रहा होगा देख रहा होगा वीडियो, बाद में कभी देखेगा, तो उसको क्या कहोगे फिजिक्स किस लेवल पे प्रिपेयर करनी चाहिए? अगर जैसे आप 11th और 12th में है तो पहली चीज तो पेरिफेरल नॉलेज से दूर ना भागे, मतलब ये ना सोचे कि नीट में इतना ही आ रहा है, एम्स में इतना ही आ रहा है, क्योंकि एक तो जो एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर है इतने ज्यादा इनएक्यूरेट है अभी जो ऑनलाइन है, मेमोरी बेस्ड है इतने, मतलब मैंने अपना पेपर दिया, शाम को आके देखा रेजोनेंस ने क्या वो निकाला है क्वेश्चन पेपर, एंड दैट वाज जस्ट अटर बुलशिट, कुछ एक क्वेश्चन मैच नहीं करता यार. मेरे समय भी हुआ था, मतलब बहुत मुश्किल होता है, तू 2-3 दिन के अंदर भूल जाता होगा पूरा, लेकिन मैं उसी दिन शाम को आके देखा और क्या बकवास पेपर बनाया था, मतलब इट वाज एम्स वाले बहुत मेहनत कराते हैं आपसे, लेकिन वो क्वेश्चन देख के आपको देखते ही हो जाता है क्वेश्चन, तो उस पेपर पे भरोसा ना करें, एम्स का पेपर बहुत चैलेंजिंग आ रहा है. और थोड़ा सा स्टेप आउट अगर 11th 12th में है तो मैं तो एनकरेज करूंगा कि आप केवीपी पे दें, ओलंपियाड दें, ताकि आपकी पेरिफेरल नॉलेज बढ़े. एग्जैक्टली, मैंने भी अपने YouTube चैनल पे कह रखा है कि यार NSO होता है, IMO होता है, NSEP होता है, NSECI, NSEB, ये सब जो जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो या प्राइवेट के भी, इनफैक्ट तुम्हारे टैलेंट है रेजो स्टार्ट होते हैं जिसमें नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, अटेम्प्ट करो केवीपी में बैठो, एक होती है ना अपनी, एक होता है कि स्टार्टिंग में ठीक है तुम्हारी अच्छी रैंक ना है, पर अब तो जैसे सीबीटी हो रहे हैं सारे एग्जाम, और इस बार एम्स तो मशा से ही हो रहा है और अगले साल से प्रॉब्लम नीट भी हो जाएगा. तो एक मैंने ये चीज देखी कि मैं मेंस के भी 2 पेपर के लिए मेजरली इसलिए बैठा कि मेरे को सीबीटी वाला एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि सीबीटी वाला एक एक्सपीरियंस तो तुम्हारे कोचिंग वाले देते हैं, लेकिन उसमें इतनी फील नहीं आती, जब फील तब आती है जब आसपास वाले लोग डरे हुए आसपास वाले लोगों के लिए वो जिंदगी है, भले तुम्हारे लिए कुछ नहीं है. अपनी प्रिपरेशन के दौरान जब आप 1-2 चैप्टर कर रहे हैं, जब फुल सिलेबस के दौरान तो ठीक है पेपर अपने एम्स और नीट के रखे, लेकिन जब आप 1-2 चैप्टर कर रहे हैं तो अपने आपको रिस्ट्रिक्ट ना करें कि मैं इसी लेवल तक करूंगा, मेडिकल में इस लेवल तक आता है, ये ना सोचे, क्योंकि फिजिक्स में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग के लिए बना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है फिजिक्स का. तो अपने आप को ऐसे रिस्ट्रिक्ट ना करें और डरे ना कि ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि एएमसी मेरे को एक ऐसा एग्जाम लगा, मैंने इतना कुछ लोग कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस वंडर किया है, लेकिन एएमसी एक ऐसा एग्जाम मेरे को लगा जहाँ पे वो सब रिडीम होता हुआ दिखा, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे ऑर्गेनिक हो, दोनों जगह मैंने इतनी ज्यादा पढ़ी है वो. हाँ. और एम्स एक ऐसा पेपर था जिस वजह से मैंने पढ़ी है, जो मेरे को बाद में जाकर रियलाइज हुआ. हाँ, मतलब ये वर्थ इट हुआ तुम्हारा एक्स्ट्रा पेरिफेरल प्रिपरेशन जो हुआ. फिर भी तो ये तो कहेगा ना यार, एनसीईआरटी इज द बेस. एंड देखो ऐसा है कि कोई भी एग्जाम जा रहे हो आप अगर 80% भूल के 20% करके जाओगे तो ऑब्वियसली फॉर फेलियर.
फॉर फील। लेकिन अगर कोई नीट के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करता है तो मेरे ख्याल एनसीईआरटी उसकी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी तरह आप समझ जाइए नीट के लिए कितना अच्छी तरह एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो उतने अगर कोई करता है तो वो 80% बेस स्ट्रॉन्ग करता है। अब एम्स के लिए आपको थोड़ा बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, डेफिनेटली बात है। ठीक है यार, नेक्स्ट चीज है सेल्फ स्टडी का। काफी लोग पूछते हैं मेरे को कि यार सेल्फ स्टडी अलोंग विद कोचिंग क्लासेस कैसे मैनेज करते थे। अब जैसे कोचिंग मैं बताऊं, 11th में तो मेरी नॉर्मल सी कोचिंग थी, जैसे वीकडेज वीकेंड होती है तो मेरे वीकडेज था, उसमें 4-4 घंटे, तो 12th में उन्होंने इतना इंटेंसिफाई कर दिया था कि 6-6 दिन में कोचिंग जाता था। ओके, तो उसमें क्या होता था कि आधे कॉन्सेप्ट में वही कोचिंग में क्वेश्चन भी हो जाते थे, और वो फिर ऐसा होता है कि एक बार 12th में जाके मेरे को आदत पड़ गई थी। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, नीट से 2 दिन पहले क्या हुआ था कि सब बोलते थे कि मत करो, कुछ मेहनत मत करो, तो मैं काफी देर सोया और टीवी देखा और ये सब किया, तो मेरे को नींद नहीं आई रात में। ओके, क्योंकि मेहनत की आदत सी पड़ गई थी। ओके, नाइस, ये वर्ड नोट करें, मेहनत की आदत सी पड़ जाना, एक्चुअली ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक बार यू डू, मतलब एक साल से लगे हुए तुम कि इतना तो मेरे को करना ही है रोज, उसके बाद उसके बिना तुम्हारा अचानक मतलब एडिक्शन हो गया पढ़ाई से ही तेरे को ना, मतलब ऐसा होता है कि तेरे को बूस्ट मिलता था, एंडोर्फिन मिलता था पढ़ाई के लिए। सही है, बस ऐसा अगर आगे मेंटेन रहे टीम्स में तो बहुत अच्छी। फिर पीजी में भी फर्स्ट, बाय द वे पीजी का रैंक भी अभी रिलीज हुआ था, एम्स पीजी का भी रिजल्ट आया था, तो ठीक है देखते हैं फिर 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक, और तुमने गैप कैसे यूटिलाइज किया नीट और एम्स के बीच में? काफी आजकल ये भी पूछते हैं आप इन्फोरेंस के प्लेटफॉर्म पे देखो कहीं भी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नीट और एम्स के बीच में जो गैप होता है 20 days का, उसमें तुमने सबसे ज्यादा क्या किया? जैसे इसमें मैंने जो देखा है कि हर जगह ये रिकमेंड किया जाता है कि जीके और एलआर करो, पर मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी जीके और एलआर मिनिमम करो, क्योंकि सबसे आसान जो पार्ट है एम्स के पेपर में वो जीके और एलआर है। ओके, ठीक है, तुम्हारी जीके लोग यूपीएससी और मैगजीन्स वगैरह पढ़ लेते हैं, उतना तो नहीं जाना, बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है, बिल्कुल इतनी बेसिक जीके आती है जो मतलब ऑलमोस्ट सबको पता ही है। ठीक है, और एलआर भी अगर आपने एनटीएससी लेवल का किया उससे काफी आसान आता है। तो एनटीएससी स्कॉलर हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे तो अपने को प्रूफ कर दिया ना। तो लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि एम्स और नीट के बीच में सबसे ज्यादा फिजिक्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए जाए। ठीक है, और एक एसर्शन रीजन, एसर्शन रीजन मेरे को ऐसा लगता है कि आप प्रिपेयर करोगे तो एज इन बहुत फायदा होगा, जो आप 2 साल से कॉन्सेप्ट बना के आए हो वो तो बिल्कुल काम करेंगे ही। असर्शन रीजन रिपीटेटिव इतने नहीं होते हैं कि अगर आप जैसे उससे पहले अगर आपने 1000 असर्शन कर लिए तो यू विल मेक एनी 2-4 नंबर बढ़ना बहुत मुश्किल है। वो जो आप 2 साल से कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वो बहुत कम आएंगे, वो बहुत कम आएंगे। एक और चीज की मैं ये रिकमेंड करूंगा कि केमिस्ट्री में लैब मैनुअल पढ़ जाए एक बार, केमिस्ट्री की लैब मैनुअल। हां, क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत आती है, ठीक है। और तुम्हारी सोर्सेज क्या थी स्टडीज की, कौन कौन सी बुक फॉलो करते थे, कभी ऑनलाइन वीडियो देखा या फिर कुछ ऐसा कुछ? हाँ, ऑनलाइन वीडियोस तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी हैं, एक एनवी सर आते हैं बहुत बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनको मैंने बीच में एक बार मेरे का चैप्टर मिस हो गए थे, मैं बीमार हो गया था, तो वो मैंने उनकी वीडियोस देखी, उससे भी काफी हेल्प हुई। बाकी थ्योरी के लिए तो मेरे ख्याल एचसी वर्मा से अच्छी बुक आज तक बनी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन तो जहां मर्जी से, फिजिक्स के क्वेश्चन जहां से अच्छे मिल रहे हैं उसमें कोई डिफरेंशिएटिंग बात नहीं है, जितनी अच्छी बुक आपको सारी बुक्स में क्रिएटिव नए क्वेश्चन करे, रिपीटेटिव क्वेश्चन ना करे। ठीक है, और बायो के लिए क्या सजेस्ट करोगे, एक बार इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर ले, बायो में क्या सजेस्ट करोगे? बायो में तो चाहे वो नीट हो चाहे वो एम्स हो, कोई भी एनसीईआरटी से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ, सही बात है, तो एनसीईआरटी को तो चाहे 50 बार पढ़ लो 100 बार पढ़ लो कमी है, तो बल्कि नीट के बाद भी अगर कोई आपको ऐसा कि एम्स में बहुत ज्यादा आ रहा है, वो पहले आता था, आजकल वैसे ही जो मॉर्फोलॉजी टैक्सोनॉमी ये वाली चीजें बहुत कम कर दी गई हैं, तो काफी रटाई वाली चीजें काफी कम हो गई हैं। इससे ज्यादा अगर आप जा सकते हैं तो जेनेटिक्स एवोल्यूशन बायोटेक, इनमें डेप्थ में जेनेटिक एवोल्यूशन बायोटेक, इकोलॉजी पे भी तो आता है प्रोटोकॉल नहीं, वो मेरे ख्याल ज्यादा नीट में आता है, वो एक एक क्वेश्चन आता है हर साल, अजीब सा क्वेश्चन डालते हैं ना हर साल। मैंने देखा, मैं अभी तक 2017 में पेपर दिया, पर अभी तक मैंने पेपर एनालाइज नहीं इस बार, लेकिन इस बार इस टाइप का कोई इकोलॉजी का आउट ऑफ सिलेबस और बाहर से क्वेश्चन नहीं था नीट में भी। लेकिन एम्स में मैंने देखा है कि ऐसे बहुत ज्यादा अजीब टाइप के डेटा टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं कंपैरेटिवली एआर में। आपको बायोटेक की बड़ी, इस बार मेरे को एक कुछ एग्रो बैक्टीरियम का कोई रूट कल्चर पेनिसिलियम के द्वारा कुछ, मतलब अजीब अजीब चीजें जो बायोटेक से रिलेटेड है जो अभी रिसेंटली हैपनिंग है
वो AR में दिख रही है मुझे बायो में. ओके नाइस. हाँ सो यार एक और क्वेश्चन रह गया, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. पढ़ाई तो हो गई यार, सब सारी चीजें कवर हो गई. अब ये बताओ कि पढ़ाई के बीच में बोर तो होते हो, ऐसे तो नहीं कि ऑल टाइम स्टडी होता होगा दिन भर में, तो फिर कैसे अपने को रिफ्रेश करते हैं? जहां तक मेरी इससे बात हुई है, मैं आपको बताऊं, इसको गेमिंग का शौक है और भी चीजों का शौक है, ये खुद बताएगा. तो जैसे 9th-10th में मेरे को ये टेक वाला पीसी बिल्ड्स में बहुत मजा आता था. मैंने अपना कस्टम पीसी बनाया था, तो पार्ट्स लेके थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब उस समय रिसर्च करने का मन करता था, तो बहुत खाली टाइम था 9th-10th में. मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, उसके बाद पार्ट्स लाके नेहरू प्लेस यहाँ पे जगह है, वहां से पार्ट्स लाके अपना पीसी बना लिया था. तो उस पर भी गेमिंग करते थे बहुत ज्यादा इंटेंसिव गेमिंग करता था काफी. तो उसके बाद बेंच मार्किंग के लिए गेमिंग करता था, कैसे काम कर रहे हैं सारे पार्ट्स. तो और बाकी जैसे कई जगह ये भी बात है वैसे, क्योंकि मेरे को टीवी ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि टीवी में यू डोंट हैव द फ्रीडम टू चूज. तो मैं यूट्यूब में बहुत ज्यादा घुस गया था, और मतलब ये नहीं कि केवल फालतू चीजें देखता था, पढ़ाई भी चीजें देखता था. पढ़ाई बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूट्यूब पर मिल रही है आजकल, और अगर कोई साइंटिफिकली क्यूरियस है तो बहुत अच्छी चीजें मिल रही है. और स्टैंड अप कॉमेडी का आजकल बहुत सीन बन गया है. हाँ बिल्कुल, स्टैंड अप कॉमेडी तो एक बीच में से वो 5 मिनट का रिफ्रेशिंग टाइम हो जाता है. ओके नाइस. तो फिर गेम भी खेलते थे 11th 12th में? हाँ मतलब थोड़ा कम तो हो ही गया था 10th से, तो 10th में तो क्योंकि मैं पूरे पूरे दिन गेमिंग कर रहा था. अभी जैसे कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को Assassin's Creed. ठीक है. तो और कुछ, कोई फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह? नहीं स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा 11th-12th में नहीं हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी भागना दौड़ना कोचिंग जाना एक्टिविटी हो जाती थी. और लेकिन हाँ फिजिकल एक्टिविटी आई रिग्रेट कि मैंने 11th-12th में. ठीक है, इसमें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, सारे स्पोर्ट्स है तेरे को करने को मिलेंगे. तो यार यही था इंटरव्यू भावक के साथ, एंड अभी एम फॉर एम्स के प्लेटफॉर्म पे आप और भी इंटरव्यूज देखोगे, जितने भी टॉपर्स हैं सबके साथ इंटरव्यूज आते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे. आप कमेंट कर दो आप किस टॉपर के साथ कौन किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, आप मेहनत करो, हो सके तो आप भी एम्स आओगे एंड फिर आपका भी इंटरव्यू इस चैनल पे बनेगा इसी तरीके. ठीक है, ऑल द बेस्ट. भावक कुछ बोलोगे? नहीं बस थैंक यू. हाँ चलो.